वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा की कप्तानी में भारतीय टीम का धमाकेदार प्रदर्शन जारी है। भारतीय टीम ने हिटमैन की कप्तानी में इस वर्ल्ड कप में अभी तक 8 मुकाबले खेल चुके हैं और 8 मुकाबले में धमाकेदार जीत दर्ज किया है। लेकिन इसी बीच बीसीसीआई के राज्य के पूर्व अध्यक्ष सौरव गांगुली ने रोहित शर्मा की कप्तानी को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है। सौरव गांगुली जो भारतीय टीम के पूर्व खिलाड़ी रह चुके हैं और बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं, उन्होंने रोहित शर्मा की कप्तानी को लेकर बड़ा खुलासा किया है कि रोहित शर्मा कप्तानी लेना चाहते थे या नहीं, या किस तरह से लेना चाहते थे, इसको लेकर सौरव गांगुली ने बड़ा खुलासा किया है। तो सौरव गांगुली ने क्या खुलासा किया है, जानने के लिए देखिए हमारा ये खास रिपोर्ट। वनडे वर्ल्ड कप 2023 में रोहित शर्मा की कप्तानी वाली भारतीय टीम कमाल का प्रदर्शन किया है। अभी तक हिटमैन की कप्तानी में एक भी मैच नहीं हारा है और एकमात्र अजेय टीम बनी हुई है। लेकिन इसी बीच बीसीसीआई के राज्य के पूर्व अध्यक्ष सौरव गांगुली ने रोहित शर्मा की कप्तानी को लेकर बड़ा खुलासा किया है। सौरव गांगुली ने हाल ही में बताया कि रोहित शर्मा भारतीय टीम की कप्तानी लेने के लिए तैयार नहीं थी, जिसके पीछे के कारण था कि रोहित शर्मा क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट खेलना चाहते थे और प्रेशर के चलते वह कप्तान नहीं बनना चाहते थे। लेकिन भारतीय टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली की कप्तानी छोड़ने के बाद ही रोहित शर्मा को भारतीय टीम के तीनों ही फॉर्मेट की कप्तानी संभालनी पड़ी। इसको लेकर सौरव गांगुली ने हाल ही में कहा है, रोहित शर्मा कप्तानी नहीं चाहते थे क्योंकि उन पर सभी फॉर्मेट खेलने का दबाव था। एक स्टेज ऐसा भी आया था जब मैंने उन्हें कहा था कि आपको हाँ बोलना ही होगा या मैं आपके नाम का घोषणा करूंगा। मुझे खुशी है कि उन्होंने कप्तानी लिया, वह अब आगे बढ़कर भारतीय टीम की नेतृत्व कर रहे हैं और नतीजे आप लोग देख सकते हैं। आपको बता दें विराट कोहली को 2021 के अंत में दक्षिण अफ्रीका के दौरे से पहले वनडे फॉर्मेट की कप्तानी से हटाया गया था। इससे पहले उन्हें T20 की कप्तानी छोड़नी पड़ी थी। इसके बाद 2022 में उन्होंने टेस्ट की कप्तानी भी छोड़ दी थी। इस दौरान बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष सौरव गांगुली और विराट कोहली के बीच का मतभेद भी सामने आया था। वनडे वर्ल्ड कप 2023 में रोहित शर्मा की कप्तानी में भारतीय टीम शानदार फॉर्म में नजर आ रही है, जिसको लेकर रोहित शर्मा की कप्तानी की जमकर सराहना भी की गई है। वहीं भारतीय टीम को हालिया प्रदर्शन को देखते हुए टूर्नामेंट का मजबूत दावेदार भी माना जा रहा है और भारतीय टीम ने इस वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भी क्वालिफाई कर चुका है।